जैसे आजकल एक कुरीति नहीं चल रही है कि अगर आपको किसी वर्शिपर का सॉन्ग गाना हो तो आपको वो बोलते हैं कि मेरा नाम नीचे मेंशन करो। कितनी बड़ी ये कुरीति है, कितना बड़ा ये पाप है कि एक सॉन्ग अगर किसी चर्च में गाया जाए तो वो सॉन्ग से आपको बरकत मिलती है अगर आपने वो गाया है, अगर दूसरा कोई उसे गाता है और पब्लिक जो जनता है, जो विश्वासी हैं, वो उससे आशीष पाते हैं। नॉन बिलीवर जनता वो भी आशीष पाती है। इसलिए मैंने कहा जो अंकुर इंद्रोला मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल सॉन्ग हैं उसे हमें पूछने की जरूरत नहीं, आप उसे गाओ। अगर आप अपनी चर्च में गाना चाहते हो, आपका मकसद कोई फाइनेंशियल नहीं है कि सिर्फ व्यूज कमाना नहीं है, आप चर्च में गाना चाहते हो, क्रूसेड्स पे गाना चाहते हो, आपको हमारा नाम भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे सिंगर्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरी मिनिस्ट्री को मेंशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट गाओ और कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। और इमेजिन करो आजकल के जो लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वर्शिपर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, सिंगर्स ढूंढना आसान है, गॉस्पल सिंगर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वर्शिपर ढूंढना जो आत्मा की बातों को समझते हो, और उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करके पवित्र आत्मा को निराश करते हो। और ऐसे भी इनमें से लोग हैं जो बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, जिन्होंने बड़े बड़े वर्शिपर्स के साथ गाया हुआ है, आत्मा वाले वर्शिपर के साथ गाया हुआ, आज वो दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज पवित्र आत्मा की बात को लोग सुनना नहीं चाहते, उन्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर ने कलीसिया में किन लोगों को ठहराया है, उन नबियों दासों का, वो उनको मालूम नहीं कि उनका जो स्थान है कलीसिया में क्या है।